हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको ऑटोफिल और ड्रैगिंग बताऊंगा, एक्सेल पे कैसे यूज करते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहां पे क्लिक करा, मैंने लिखा एक, और मैं एक को ही क्लिक करके यहां पे ये ड्रैगिंग का एरिया होता है, तो यहां से अगर मैं ऐसे डाउन की ओर खींचता हूं तो देखिए वन ही वन, एक ही एक प्रिंट हो गया। ऐसे ही अगर मैंने यहां पे क्लिक करा एक और यहां पे नीचे लिख दिया दो, तो अब अगर सिलेक्शन करके अगर हम इसे ड्रैग कराते हैं तो देखिए नंबर की तरह प्रिंट हो गया। तो जो कंप्यूटर है वो समझ जाता है कि ये एक ही प्रिंट करना है और ये काउंट करना है नंबर को, तो इसलिए काउंटिंग के अकॉर्डिंग कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे दो और यहाँ पे चार लिखता हूँ और तब इसे ड्रैग कराता हूँ तो देखिए क्या होता है, सिलेक्शन करके अगर मैं खींचता हूँ तो देखिए टेबल टाइप का तैयार हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके अगर मैं लिखता हूँ सन, तो जो वीक डेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए शॉर्ट में वीक डेज आ जाएंगे। ऐसी मैंने यहाँ पे अगर फुल डे लिखा संडे और फिर इसे अगर मैं ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे, तो देखिए डेज के हिसाब से फुल डे आ गए, फुल डे के नेम। अगर मैं ऐसी शॉर्ट में जे ए एन लिखता हूँ जेन और उसके बाद ड्रैग कराता हूँ तो देखिए रिजल्ट क्या हुआ कि मंथ के नेम शॉर्ट में आ गए। अगर फुल नेम लिखते हैं और फिर मैं फुल नेम को अगर ड्रैग कराता हूँ तो देखिए फुल नेम के अकॉर्डिंग जो मंथ के हैं वो फुल नेम ऐसे आ गए। तो ये थी ड्रैगिंग और ऑटोफिल का टाइप। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो को, एक नया वीडियो लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।